नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें आज आप सभी को पता लगने वाली है जो आप सबके मेजरली क्वेश्चंस रहते हैं। उसके साथ अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं वो भी आप सभी को पता लगने वाला है, और इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख पाओगे वियतनाम की जो कम्युनिटी है किस तरीके से पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है, और ऐसा एक कंट्री के अंदर नहीं हो रहा, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमें सेम चीज़ देखने को मिल जाती है, और इसकी वजह से पाई नेटवर्क की जो ग्रोथ है डेली बेसिस पे हमें और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे आप सभी देखोगे एक होटल है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है पाई कॉइन की पेमेंट। द यूज़ केसेस ऑफ पाई P2P आर मच स्ट्रॉन्गर देन वी थॉट, एंड दिस ट्रेंड विल बी मोर ऑब्वियस व्हेन द मेनेंट इज लॉन्च। जैसे ही पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होती हुई हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद जो उसकी ग्रोथ है या जो उसकी पावर की हम बात करें वो और ज़्यादा एनहेंस होता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी आप देखोगे ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर ही पाई नेटवर्क की जो पेमेंट्स है बहुत सारी लोकेशंस के अंदर बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्ट होती हुई देखने को मिल जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे इस वाले होटल के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके साथ जो नॉर्मल शॉप्स वगैरह होती है वहाँ पर भी क्लोथ्स की बात करें या कोई प्रोडक्ट्स की बात करें, सर्विसेज की बात करें, हर जगह हमें ये एक्सेप्टेबल होता हुआ देखने को मिल जाता है। जो मैं चीज़ें आप सभी को बता रहा हूँ वो सारी फुटेज भी मैं आप सभी को स्क्रीन वगैरह पर दिखा पा रहा हूँ। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई का सेकंड स्पेशल डे चैलेंज रिजल्ट के बारे में, ठीक है, जो कि प्रोग्रेस टू ओपन नेटवर्क चैलेंज है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली लिखा गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल पार्टिसिपेंट्स इन पाई टू डे प्रोग्रेस टू ओपन नेटवर्क चैलेंज विच फैसिलिटेट पाइनियर्स टू कम्प्लीट इसेंशियल टास्क लाइक मैनेज चेकलिस्ट एंड एक्सप्लोर द इकोसिस्टम एंड यूटिलिटी इट्स एप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो यूटिलिटीज़ का मेजरली काम है एप्लीकेशंस को लेके, जिसके अंदर बहुत सारी हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने को मिलती है। पाई नेटवर्क तीन मेजर चीज़ों पे काम कर रहा है, एक तो एप्लीकेशंस है, दूसरा है KYC सबकी कंप्लीट होनी चाहिए जो कि प्रॉपर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और इसी साल हमें पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग भी देखने को मिल जाएगी। अभी मेजरली टारगेट वो KYC को लेकर कर रहा है क्योंकि एप्लीकेशन यूटिलिटीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत अच्छे से इस चीज़ के अंदर एनहेंस हो चुकी है और हर कोई इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहा है। ऑल पाइनियर्स पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट थ्रू द चैलेंज और इन अदर वेज आर वट प्रपोल अस फॉरवर्ड इन आवर जर्नी टू ओपन नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप अपने होम स्क्रीन पे जाके देख वगैरह सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, यहाँ पे भी आप देखो किस तरीके से प्रमोट वगैरह किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर पाई नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि पाई नेटवर्क कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, जैसे कि Web 3.0, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर लेक्चर्स दिए जाते हैं, जैसे कोरिया के अंदर, चाइना के अंदर, और यहाँ पे भी इस वाली फुटेज के अंदर भी आप सभी देख पाओगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल रही है कि एक्चुअली ये चीज़ काम कैसे करती है। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी क्रिप्टो के बारे में कि Web3, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, P2P जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ है कैसे काम करती है, तो आप पाई नेटवर्क से क्या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ किसी भी क्रिप्टो करेंसी से ईजिली पैसा बना लोगे, क्योंकि आपको पता होगा की फैक्टर्स की कैसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाती है। अब हम दोस्तों कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स को कवर कर लेते हैं। पहला अपडेट आ चुका है इंडिया की तरफ से, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देखोगे मयूर विहार के आसपास ये जो लोकेशन बताई जा रही है जहां से इन्होंने प्रॉपर रैली वगैरह निकाली है, और ये दिल्ली की फुटेज है, और दिल्ली के अंदर अभी लेटेस्ट में अभी हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट चालू हो चुका है, जैसा कि आप इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर देख पाओगे किस तरीके से इंडियन जो पाइनियर्स हैं वो पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर हमें अभी उतने मेजरली अपडेट्स देखने को नहीं मिल रहे थे, बट अभी इसके जो अपडेट से या प्रमोशंस हैं या रैली है जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं वो अब यहाँ पे भी स्टार्ट वगैरह हो चुका है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि कोलंबिया की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे वैल्यूएशन की बात की जा रही है, जैसा कि आप देख पाओगे 0.0003 पाई के आसपास जो इन्होंने पे करा है, और इनको जो रिसीव हुआ है वो 3 कप कॉफ़ी और 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड हुआ है, जिसका वैल्यूएशन है $9.4 के आसपास। तो अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग वैल्यूएशंस है पाई कॉइन के, डिपेंड करता है बायर एंड सेलर के बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है, और यहाँ पे प्रॉपर
शॉप्स वगैरह की, रेस्टोरेंट्स वगैरह की फुटेज भी दिखाई जा रही है, कहाँ पे कैसे ये एक्सेप्ट हो रहा है, आउटर कैसा है, मतलब जो चीज़ें बताई जा रही है वो रियल है, उसकी प्रॉपर हमें यहाँ पे फुटेज वगैरह भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पर भी आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स होती हैं वहाँ पर भी एक्सेप्ट हुआ हो रहा है, मतलब पाई के कॉइन्स के बिहाफ पे। जैसा कि आपको ये मसाज चेयर देखने को मिलेगी, इसकी पेमेंट की गई है पाई कॉइन के बिहाफ पे। ठीक है, जो लग्जरी आइटम्स होते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, जो नॉर्मल आइटम्स होते हैं वो भी हमें यहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कार्स के शोरूम्स वगैरह भी हमें लिटिल बिट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से पाई नेटवर्क के लोगो हमें देखने को मिलते हैं, और हर कंट्री के अंदर जो भी तरीका है प्रमोशन करने का, सभी तरीके से प्रमोशंस वगैरह किए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको चाइना के अंदर प्रॉपर पाई नेटवर्क का कार का शोरूम देखने को मिलेगा। इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पाई का लोगो देखने को मिलेगा, और बहुत ही लग्जरी कार का शोरूम यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ आपको कार्स वगैरह देखने को मिलेगी जिसके वैल्यूएशन GCV वैल्यूएशन के हिसाब से रखे गए हैं। ठीक है, प्रॉपर सब कुछ है, एक्सटीरियर आप देखोगे, इंटीरियर आप सब देख सकते हो। और मेजरली जो चीज़ें की जा रही हैं ये मैक्सिमम चीज़ें प्रमोशनल पर्पजेज के लिए की जा रही है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि लोगों को पता चले कि जिस कॉइन को आप अभी माइन कर रहे हो इसका फ्यूचर में कितना हाई फाई वैल्यूएशन आ सकता है। आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को इस लेवल पे प्रमोशन करते हुए देखा नहीं होगा, और अभी ये ऑनगोइंग इसका प्रोसेस चल रहा है। और इसके अंदर आप देखोगे तो कार्स के शोरूम, होटल वगैरह में पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना, नॉर्मल ग्रॉसरी एक्सेप्ट करना या लग्जरी आइटम एक्सेप्ट करना, कोई इन्होंने चीज़ छोड़ी नहीं है। हर जगह पे अपने कॉइन की जो पावर है वो दिखाने की कोशिश की गई है, और जिसकी वजह से पाई नेटवर्क की जो ग्रोथ है हमें डेली बेसिस पे इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिलती है पाइनर्स के बिहाफ पे। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे सपोर्ट कर रहे हैं, बट मैं आप सभी को बता दूं जो पाई नेटवर्क का रियल वैल्यूएशन है ना, वो आप सभी को GCV वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलने वाला। GCV वैल्यूएशन को अगर आप INR के अंदर कन्वर्ट करोगे वो 2.7-2.8 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और पाई कॉइन फ्री में माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन को जब माइन किया जा रहा था तब पैसे लगा के माइन किया जा रहा था, और अभी तक उसका ऑल टाइम हाई $74,000 के आसपास गया, $100,000 के आसपास भी नहीं गया है। तो इतना वैल्यूएशन आना पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर आपको $1 से कम ही वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, फिर वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे अभी देखोगे करेंटली क्या प्राइजेस वगैरह चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एथलेंटिक एक्सचेंज करके हैं, जिसपे हमें पाई नेटवर्क का जो प्राइस देखने को मिलता है $28,000 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। बट हर एक्सचेंजेस पे अभी मेजरली जिस पे एक्सचेंजेस पे आप पाई कॉइन्स को देख रहे हो हर जगह पे फेक है, तो आपको कहीं पर भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी। जब ऑफिशियली ये लॉन्च होगा उसके बाद ही आपको इसका रियल वैल्यूएशन पता लगने वाला है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बेस माइनिंग रेट के बारे में, उसके साथ यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं लॉकअप्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के टाइम में आप सभी को पता है पाई कॉइन को माइन करना टफ हो चुका है पहले से, अगर हम कंपेयर करें तो अभी जितने भी पाई कॉइन्स हैं आप सभी के पास, आप उसको बचा के रखो, क्योंकि माइन करना टफ हो चुका है। और कोई चीज़ लिमिटेड होगी तभी उसका रियल वैल्यूएशन आएगा, और जल्दी आएगा। रियल वैल्यूएशन का मतलब ये है कि ज़्यादा वैल्यूएशन आने के चांसेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप क्योंकि लिमिटेड माइन कर पा रहे हो, क्योंकि अब तो लिमिटेड होगा ही क्योंकि बेस माइनिंग रेट के हिसाब से ही हो रहा है, वहाँ पे एडिशनली आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो रेफरल्स को यूज़ कर सकते हो, सिक्योरिटी सर्कल्स को आप यूज़ कर सकते हो, नॉट्स को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छा फीचर है लॉकअप फीचर हमें देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि आपको अपने एक क्वांटिटी में पाई कॉइन्स को रखना होता है यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसा कि आपको 2 वीक्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, 3 इयर्स का है। ठीक है, बूस्ट रेट जो सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे 200% के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पाई कॉइन्स को आप अमाउंट में करना चाहते हो उतना आप यहाँ पे कर सकते हो, और उस हिसाब से आपका जो भी माइनिंग रेट है उस हिसाब से आपको इंक्रीज करके दे देगा। ठीक है, जो माइनिंग रेट चल रहा है उसके साथ जिस हिसाब से लॉकअप बूस्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 200% हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है, तो ओवरऑल यहाँ पे 610% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग पाइनेंस ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे सेट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 साल के लिए सेट कर रखा है, जितना भी अमाउंट ऑफ पाई कॉइन्स है आप उतना यहाँ पे सेट कर सकते हो। इनको 610% के आसपास देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 625 देखने को मिल रहा है, 670 देखने को मिल रहा है, डिपेंड करता है कि कितने क्वांटिटी में आप पाई कॉइन्स को करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे 75 पाई कॉइन को इन्होंने कर रखा है 3 साल के लिए, मैक्सिमम जो 3 साल का है उसके लिए कर रखा है, और यहाँ पे 302 पाई के आसपास कॉइन्स हैं इन्होंने भी कर रखा है 3 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है अगर पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग हो जाती है तो आप इसको ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है, विड्रॉल करना चाहते हो, तो आप इसकी मैच्योरिटी को ब्रेक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे
फीचर एक अच्छा देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।